क्या है बिठूर वो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सीता माता को छोड़ा था जब राम जी ने सीता माता का परित्याग कर दिया था। लव कुश का जन्म स्थान, ये जो थोड़ा सा खंडर सा देख रहे हैं बोलते हैं ये लव कुश की पाठशाला थी, पंडित जी बता रहे हैं ऐसा। और उसके पीछे सीता रसोई और क्या रसोई और उनका गर्भ है। कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर लवकुश की जन्मस्थली है और यहीं पर ही राम भक्त हनुमान को बंधक बनाया गया था। इस पावन धरा पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहां की शोभा देखने के लिए आते हैं। केवल शहर के ही नहीं बल्कि कानपुर आने वाले सैलानी भी भगवान राम से जुड़ी इस स्थली के मोह से दूर नहीं हो पाते हैं। सीता रसोई, वाल्मीकि आश्रम आदि के अस्तित्व आज भी यहाँ पर विराजमान है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। रामायण में उल्लेख है कि भगवान राम ने राज्याभिषेक के बाद एक धोबी के द्वारा देवी सीता के चरित्र पर उठाए गए सवाल के कारण देवी सीता को अपने से अलग कर दिया था और देवी सीता को वन में रहना पड़ा था। कहते हैं कि जिस समय भगवान राम ने देवी सीता को वन में भेजा उस दौरान वह गर्भवती थी। माता सीता ने वन में ही अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। देवी सीता ने जहाँ अपने पुत्रों को जन्म दिया था वह स्थान कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर बिठूर में है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। मंदिर में सीता माता की प्रतिमा अपने पुत्र लव और कुश के साथ है। माना जाता है कि करीब 8 लाख साल पहले माता सीता बिठूर आई थी और यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ था। लवकुश ने इसी स्थान पर वाल्मीकि से शिक्षा भी प्राप्त की थी। रामायण में कहा गया है कि जब लक्ष्मण जी देवी सीता को छोड़कर चले गए थे तब रोती हुई देवी सीता को वाल्मीकि आश्रम की स्त्रियों ने संभाला था। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़े को पकड़ने की जहमत तक नहीं जुटा पाया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब वह घोड़ा बिठूर पहुंचा तो लवकुश ने उसे बांध लिया। इसके बाद राम भक्त हनुमान यहां घोड़ा छुड़ाने के लिए आए थे। लवकुश से युद्ध में वह परास्त हो गए, उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया गया था। आज भी यहां पर वह स्थल बना हुआ है जहां पर हनुमान जी को कैद किया गया था। इसके बाद घोड़ा छुड़ाने पहुंचे लक्ष्मण जी को भी यहीं पर बंधक बनाया गया था। बताया जाता है कि इस स्थान पर माता सीता पाताल में समाई थी। हनुमान और लक्ष्मण जी की कोई खबर ना मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए पहुंचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लवकुश से वे युद्ध कर रहे हैं वे उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता से राम की भी मुलाकात यहीं हुई थी। जब राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गई, ऐसा माना जाता है। और यह स्थान आज भी यहीं पर मौजूद है। सुबह शाम इस स्थल पर पूजा भी की जाती है। गंगा नदी के किनारे बसे इस स्थान पर एक और माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। यहीं पर सीता जी भोजन बनाती थी। उस समय उपयोग किए गए बर्तन भी सीता रसोई में मौजूद हैं। मित्रों, बताया जाता है कि लवकुश यहीं पर माँ गंगा में स्नान किया करते थे और यहीं पर बाण चलाना, घुड़सवारी आदि भी सीखी थी। मित्रों, वह कुआं जिससे सीता जी पानी का उपयोग करती थी आज भी मौजूद है। प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी नहीं सूखा है। इसके अलावा लवकुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे वह आज भी मौजूद है। मित्रों, इसके अलावा बिठूर में वाल्मीकि आश्रम में एक स्वर्ग की सीढ़ी भी है। स्थानीय लोग इसे सरग नसेनी के नाम से भी जानते हैं। इस सीढ़ी से पूरे बिठूर का मनोहारी नजारा भी देखा जाता है। इस सीढ़ी में 65 सीढ़ियां बनी हुई हैं। पहले यहां पर दीपक जलाए जाते थे, इसलिए इसे दीप मालिका भी कहा जाता है। मित्रों, पुराणिक महत्व का साक्षी कानपुर बिठूर धाम पुरातन काल से ही रहा है। यहां सीता रसोई, लवकुश आश्रम, सीता कुंड, स्वर्ण सीढ़ी आदि सहित ऐसी प्राचीन स्मृतियां आज भी मौजूद हैं जो प्रभु श्री राम के परित्याग के बाद माता सीता के अस्तित्व को दर्शाती हैं और रामायण के एक जीवित सबूत के रूप में आज भी मौजूद हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।